इस्लामाबाद से नारायण के लिए रवाना होने से पहले पूछ लें, अगर आपके किसी दोस्त यार या रिश्तेदार का घर रास्ते में हो तो उनसे मिलते हुए जाएं। हम लोग जा रहे हैं अब गांव, मेरे भाई गांव, मेरे ग्राम, तो मिलते हैं फिर वहां पर मानसेरा में। तो मानसेहरा में हमने एक दिन का स्टे किया था, अब हम यहाँ से नारायण के लिए रवाना हो रहे हैं। एक मशवरा है, रास्ते में सोइएगा नहीं, अगर सो गए तो ये नज़ारे मिस कर देंगे। रास्ते में अगर कहीं खूबसूरत मनाजिर नज़र आए तो रुक कर तस्वीरें लेने में कोई बुराई नहीं है। पहुंच चुके हैं कहां, दरियाए कुनार। ये है दरियाए कुनार। हमें इस जगह पर रुकना नहीं था, लेकिन ये जगह काफ़ी खूबसूरत है, तो हम सब ने कहा कि हमें यहां पर रुककर दरिया को देखना चाहिए। दरियाए कुनार का ये दिलकश मंज़र और बहते पानी की ये मधुर आवाज़ इंसान को ज़हनी सुकून फराहम करती है। इस रास्ते में जगह जगह पहाड़ों से ठंडे चश्मे बहते नजर आते हैं। और कई जगह तो इन ठंडे चश्मों में ही होटल्स बने हुए हैं। ये शिवाई है और ये जो पानी आपको नजर आ रहा है ये ऊपर से पहाड़ों से आबशार की सूरत में बहकर आ रहा है और काफ़ी ठंडा पानी है। इसमें नीचे कुछ इन्होंने जो होटल हैं यहाँ पर इन्होंने कुर्सियाँ जो बिछाई हैं, पलंग बिछाए हैं, टेबलें रखी हैं, तो वो इसी पानी में है और इस पानी में बैठकर खाने पीने का अपना अलग ही मज़ा है। पहाड़ से बहते ठंडे चश्मे में बैठकर गर्म चाय और पकोड़ों का जो मज़ा है ना, वो बताया नहीं जा सकता। ये लोग चाय फीकी देते हैं, चीनी तो आप अपने हिसाब से खुद डाल सकते हैं ना। जगह जगह ट्राउट फिश की दस्तियाबी के बोर्ड्स भी देखने को मिलते हैं। कई होटलों पर तो ये जिंदा भी मौजूद होती हैं। मुझे इस मछली के बारे में ज़्यादा इल्म नहीं, हाँ इतना पता है कि ये मछली ठंडे यख पानी में ज़िंदा रहती है। यहाँ कोल्ड ड्रिंक्स को ठंडा करने के लिए इस कुदरती चश्मे के पानी को ही इस्तेमाल किया जाता है। जब कराची वालों को बर्फबारी दिख जाए तो ये रिएक्शन नॉर्मल है। हम लोग नारायण की तरफ जा रहे हैं, नारायण तकरीबन हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ पर इतनी ज़्यादा सर्दी है कि हमारे हाथ पैर अभी से कांपने लगे हैं, आगे देखें क्या होता है। हम लोग नारायण जा रहे थे, रास्ते में हमारी गाड़ी पंचर हो गई है, ड्राइवर जब तक हमारा टायर चेंज कर रहा है तो हम लोग यहाँ पर फोटोग्राफी कर रहे हैं। वसीम भाई हाथ बटाऊँ, कुछ करना है? हमारी जुबान में इसे भुट्टा कहते हैं। रास्ते में अगर कोई बच्चा या कोई जवान या कोई बूढ़ा या कोई भी इसे बेच रहा हो तो खरीद लें।
ज़रूरत ना भी हो तो भी ख़रीद लें। मेरा भुट्टा कब आया? आप कभी भी नारायण जा रहे हो और रास्ते में आपकी गाड़ी पंचर हो जाए तो ये भुट्टे वाला है, इससे भुट्टा लेके ज़रूर खाइएगा। ये सामने जो मुख्तलिफ रोशनियाँ नज़र आ रही हैं यही नारायण है और फ़िलहाल यही हमारी मंजिल।